जो बात करने वाले हैं इस VI के बीनाटोन वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल के बारे में, जिसका मॉडल नंबर क्या था मेरे भाई? हाँ, मॉडल नंबर है VI999M, VI999M वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल। एज यू कैन चेक आउट, ये जो वो इस तरह का डोंगल है और आप देख सकते हैं ऐसा है। और असलियत में ये बीनाटोन कंपनी की तरफ से है, बीनाटोन ने इसको बनाया है। साइड में देखना चाहें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आप 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 4G इंटरनेट आपका चलेगा और इसके अंदर आपको सिम कार्ड डालना पड़ेगा, ऑन कीजिए, हॉटस्पॉट बन जाएगा और इंटरनेट का मजा लीजिए, कुछ भी खास प्रॉब्लम नहीं है। पीछे की तरफ देखें तो आपको दिखाया गया है, प्राइस इसका दिखाया गया है ₹3200, लेकिन आपको ये मिल जाता है सस्ता। कितना सस्ता मिल जाता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। और प्राइस क्या है लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी इसके फीचर्स दिखाए गए हैं, CCTV, स्मार्ट स्पीकर, किसी भी तरीके के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी चीज में जो है इसको आप जोड़ सकते हैं। और इसकी जो वो 1 साल की वारंटी भी है। और आपको इसके अंदर मिलेगा एक USB केबल, एक वाईफाई डोंगल और एक यूजर मैनुअल, और एक मिलेगी आपको बैटरी और वारंटी कार्ड। तो फटाफट ओपन करते हैं बॉक्स को और दिखाते हैं क्या क्या है पैकेज के अंदर। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले सामने आपको मिल जाती है बैटरी। और बैटरी इसकी मेरे को अच्छी बात लगी देखने के लिए कि ये है 2700 mAh की काफी अच्छी बैटरी, जो कि आप एक साथ में मिल जाती है आपको छोटी सी ये माइक्रो USB to USB चार्जिंग केबल, जो कि छोटी सी है, बिल्कुल ज्यादा लंबी नहीं है। अब ये है मेन डिवाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है VI और 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ एक बैटरी इंडिकेटर है, जो आपका नेटवर्क है वो कितना आया हुआ उस समय, और वाईफाई का जो वो आपको यहाँ पर आइकन मिल जाता है, और एक SMS अगर कोई आपकी सिम कार्ड पे आया है तो आपको डिटेल मिल जाती है। और डोंगल के पीछे की तरफ लिखा गया है बीनाटोन, और राइट साइड में आपको एक WPS बटन मिल जाता है, जिससे आप आसानी से बिना आप वाईफाई पासवर्ड के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन दिया गया है एक, बाकी इसके ऊपर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर एक लैच दिया गया है जिससे आप आसानी से इस कवर को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कवर को ओपन करेंगे, इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लिखा मिल जाएगा, आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पर सिम कार्ड आपको लगानी है, SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं। सिम कार्ड मैंने पहले से ही लगा दी है, तो अभी जो वो सीधा करना कुछ खास नहीं है, बैटरी लगानी है आपकी। बैटरी लगाइए, स्विच ऑन कीजिए डिवाइस को, और ऑन करते ही आपके सामने कुछ ही सेकंडों में वाईफाई इंटरनेट जो वो बन जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अगर ये हमने खरीद लिया तो उसके बाद हमारे को कोई रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं है, कोई जो वो हमारे को सिम खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जनाब ऐसा नहीं है, ये आपको सीधा डोंगल मिलेगा, इसके अंदर आपको सिम कार्ड डालना होगा, रिचार्ज वही करवाने होंगे जो आप अपने मोबाइल में करवाते हैं। वोडाफोन की तरफ से बेचा जाता है और इसके अंदर सिर्फ वोडाफोन की सिम कार्ड चलती है। तो वो सोचते हैं कि आप इसको थोड़ा सस्ते के चक्कर में खरीदेंगे और सिम कार्ड डाल करके यूज करेंगे, तो वोडाफोन जो कंपनी है या VI वाले जिसको वोडाफोन आइडिया, वो जब वो पैसा कमा करके इसका पैसा वसूल कर लेगी, क्योंकि ये डिवाइस काफी महंगी होती है। और इसके अंदर और भी मैंने वोडाफोन आइडिया को छोड़ करके सिम कार्ड एयरटेल, जियो, BSNL लगा करके देखा, तो जनाब वो काम नहीं करती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपको सिर्फ वोडाफोन आइडिया की ही सिम कार्ड चलानी होगी। अगर आपके वहाँ पर नेटवर्क है तो आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं इसका पुराना यूज